जय हिंद दोस्तों, सबको राम राम मेरी तरफ से। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि गाड़ी को चढ़ाई पे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो उसको कैसे रोकना है, और अगर ढलान पे है तो गाड़ी को कैसे रोकना। दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके इतने सटीक है कि आपको कभी भी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। मतलब कि अगर आप कहीं गाड़ी खड़ी करके जाते हैं तो गाड़ी का नीचे गिरने का या फिसलने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। बहुत आदमी हैंड ब्रेक लगा देते, खड़ी कर देते हैं, वो सबसे बढ़िया, चलो ठीक है आप हैंड ब्रेक लगाते हो, मगर उसके साथ एक छोटा सा और काम कर लिया तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। जो मैं चीज़ सिखाऊंगा दोस्तों उसको आपने अपनी आदत में शामिल करना है, ठीक है। आपने अपनी आदत में शामिल कर लेना है, उसके बाद देखना आपका कभी भी गाड़ी पीछे, मतलब कि आप कहीं भी पार्क करके जाओ, चढ़ाई में, ढलान पे भी बताऊंगा और चढ़ाई पे भी, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अभी मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में मैंने ये खड़ी है, एकदम हाइट पे है, बहुत पुल हाइट के ऊपर है। तो अगर मैं गाड़ी का देखो, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, गाड़ी मेरी न्यूट्रल में है, एकदम बीच में है, इसका हैंड ब्रेक भी नीचे है। अभी दोस्तों देखो, मैं ब्रेक पे से पाँव हटाऊँगा तो गाड़ी कहाँ जाएगी मेरी, अगर मैं ब्रेक पे से पाँव हटाऊँगा तो गाड़ी देखो कहाँ जा रही है, गाड़ी पीछे को जाना स्टार्ट हो गई दोस्तों, ठीक है। ये देखिए गाड़ी पीछे को जानी स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब देखो गाड़ी पीछे को जा रही है दोस्तों, इसका मतलब कि गाड़ी हाइट पे खड़ी है। अभी इसको गाड़ी को रोकना है, कहीं पार्क करके जाना है अपने चढ़ाई वाले एरिया में, तो इसको आदत जरूर बनाना। पहले लगा लेनी है हैंड ब्रेक, लगा दी दोस्तों हैंड ब्रेक हमने लगा दी फुल। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से एक गियर लीवर है हम लोग का, आपने क्या करना है, जब आपकी चढ़ाई पर गाड़ी खड़ी है, चढ़ाई पर गाड़ी खड़ी है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर लगा के छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। चढ़ाई पे गाड़ी है तो फर्स्ट गियर लगा के छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं बताता हूँ कि ढलान पे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। अभी आपके सामने देखो दोस्तों, बहुत ढलान है। अभी देखो मैंने क्या कर दिया, हैंड ब्रेक नीचे कर दी। अभी वो पहले मैंने बता दिया था कि चढ़ाई पे आप गाड़ी रोकनी है, कभी रोक के पार्क करके कहीं जाना है तो कैसे करनी है। अब ढलान पे देखिए, अभी ढलान पे अगर मैं गियर लीवर मेरा बीच में है, सिर्फ मैंने क्या किया है दोस्तों, अपना ब्रेक को दबा के रखा है, ठीक है। अगर मैं ब्रेक को छोड़ता हूँ तो देखिए गाड़ी कहाँ जाएगी, ब्रेक पे से पाँव हटाया मैंने दोस्तों, तो गाड़ी अपने आप चलनी आगे 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 चलनी स्टार्ट हो गई आपके सामने, देखो गाड़ी जाने लगी है ना। तो इस कंडीशन में क्या करना आपने, अगर गाड़ी रोक के कहीं जाना है ना, कि कहीं पार्क यहीं पर करनी है मेरे को, गाड़ी रोक के जाना है तो क्या करना है। अभी मैं ब्रेक लगाता हूँ, मैंने लगा दी ब्रेक दोस्तों। अभी देखिए, अभी आपने क्या करना है इस कंडीशन में, जब आपको अभी ढलान पे गाड़ी है तो आपने कहीं पार्क करके जाना है कुछ देर के लिए, तो आपने क्या करना है, हैंड ब्रेक को लगा लेना है। फुल हैंड ब्रेक लग गई, हैंड ब्रेक फुल लग गई, उसके बाद आपने क्या करना है, ये रिवर्स गियर हम लोगों ने क्या करना है, ये लिया रिवर्स गियर लगा दिया और गाड़ी को, अब गाड़ी को ऑफ कर दिया, गाड़ी को ऑफ कर दिया, गाड़ी ऑफ हो गई। ये अभी आप अपना दरवाज़ा खोलिए, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, ठीक है। ये तरीका है ढलान पे गाड़ी लगाने का और चढ़ाई पे गाड़ी लगाने का। अगर चढ़ाई पे गाड़ी लगानी है, ऐसे चढ़ाई है तो पहले मैंने आपको दिखाया था कितनी चढ़ाई थी पुल पे, अभी देखिए नीचे ढलान है, तो वहाँ क्या करना है, आपने हैंड ब्रेक लगा के और पहला गियर लगा देना है चढ़ाई पे अगर गाड़ी खड़ी है तो, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा है, आप खुद समझ जाओ। अगर आपकी कोई गाड़ी किसी वजह से हैंड ब्रेक काम नहीं भी की, जाओ उसकी कुछ प्रॉब्लम से खराब होगी हैंड ब्रेक, जहाँ नहीं काम किया हैंड ब्रेक ने, तो आपका फर्स्ट गियर जो गाड़ी का लगा हुआ है, जो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट गियर लगाया था, ये गाड़ी को पीछे नहीं आने देगा, ठीक है। और लॉक करके रखेगा गियर लीवर, उसको गाड़ी को लॉक करके रखेगा, ठीक है। वही कंडीशन अगर हम लोग ढलान पे हैं तो दोस्तों ढलान पे क्या करना है, ढलान पे भी क्या करना है, हैंड ब्रेक लगा देनी है और रिवर्स गियर लगा देना है, ठीक है। अब ढलान पे रिवर्स गियर क्या मतलब, क्या गाड़ी पीछे को जाएगी, तो रिवर्स गियर गाड़ी लगा दिया हमने पीछे को जाने के लिए। अगर आपकी बाई चांस हैंड ब्रेक काम नहीं की तो आपका जो रिवर्स गियर लगा हुआ है ये गाड़ी को नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि रिवर्स गियर जो है पीछे को गाड़ी ले जाता है, तो गाड़ी कभी भी आपकी आगे ढलान पे नीचे को फिसलती हुई नहीं जाएगी, या खाई में गिरेगी या कहीं इधर उधर किसी से टकराएगी, ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। दोस्तों आपने मेरा 32,000 सब्सक्राइबर अभी तक कर दिए हैं, मैं चाहता हूँ मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं कंप्लीट। वीडियो मैंने बहुत अच्छी अच्छी डाल रखी है, आप बहुत आसानी से कार चलाना सीख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।